नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं कैची टेक्निकल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ रैपिपे कंपनी का, अगर आपने आईडी लिया है तो उसमें आप सेल्फ ई केवाईसी कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रैपिपे जो कंपनी है, अगर आप उसमें रिटेलर आईडी या सब डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है या आप हमारे स्क्रीन पे भी नंबर देख सकते हैं, वहां से आप रैपिपे में जुड़ के रिटेलर या सब डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर बनके आप उसमें बहुत ही अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जानते हैं कि रैपिपे कंपनी का जो पोर्टल होता है उसमें आप सेल्फ ई केवाईसी कैसे करेंगे। उसमें आप सेल्फ ई केवाईसी जब तक नहीं करते हैं तब तक आप उसमें एईपीएस का काम नहीं कर सकते हैं। तो रैपिपे का कंपनी का जो भी पोर्टल आप लिए हैं, अगर आप रिटेलर लिए हैं या डिस्ट्रीब्यूटर लिए हैं, तो दोनों में आपको सेल्फ ई केवाईसी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रैपिपे का जो पोर्टल है उसमें सेल्फ ई केवाईसी कैसे करेंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो चलते हैं वीडियो के स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे किया जाता है सेल्फ ई केवाईसी। सबसे पहले आपका जो मोबाइल में आप एप्लीकेशन है रैपिपे का, एप्लीकेशन को ऑन करके वहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आप उसमें आपको जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ पे एईपीएस 3 जो एईपीएस 2 ऑप्शन दिखते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पे एईपीएस 3 या जो भी ऑप्शन है उस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेल्फ ई केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपका एजेंट नेम और पैन कार्ड का ऑप्शन आ जाता है, इसको सिंपल सा ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे आरबीएल का जो वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप करेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आप उसको डाल देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा अपना आधार नंबर डालेंगे और नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो आधार पे है वो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद मेल और फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आपको सिंपल सा सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ आप लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे वेरीफाई सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। जैसे ही इस पे आप सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मोरफो अगर लैपटॉप में या मोबाइल में लगा हुआ है, मंत्रा जो भी है उसको क्लिक करके आप कैप्चर बटन पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपका फिंगर डिवाइस कनेक्ट है वो आपको कैप्चर हो जाएगा, वहाँ पे फिंगर लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर, जो भी कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले थे वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। जो भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करते समय वो मोबाइल नंबर डाले थे वो मोबाइल नंबर को यहाँ पे सिंपल सा आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही हम लोग वो मोबाइल नंबर डालते हैं, जैसे ये हम लोग मोबाइल नंबर दूसरा डाल के देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एरर का मैसेज आता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर कस्टमर का रजिस्टर था, जो हम लोग ने रजिस्टर किया था वो मोबाइल डालने के बाद हम लोग सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके जो कस्टमर का रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, इसको सिंपल सा ओके कर देना है। जैसे ही इस पर ओके करेंगे आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी आ चुका है, वो ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो हमारा ओटीपी आने के बाद, दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे हम लोग ओटीपी डाल देते हैं। डालने के बाद ऊपर में सबमिट बटन का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक ई केवाईसी ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपका नाम डिटेल्स वगैरह सारी शो होती है। उसके स्क्रॉल करके अगर आप नीचे आते हैं, जैसे आपका नाम डिटेल्स स्क्रॉल करके नीचे आते हैं यहाँ पे आपको चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका थैंक यू ई केवाईसी सीएसपी ऑनबोर्डिंग। इस तरह से आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो खुद से एईपीएस काम कर सकते हैं और रिटेलर के लिए भी ये करना बहुत ही जरूरी होता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ने जाना है रैपिपे का जो पोर्टल होता है उसमें सेल्फ ई केवाईसी कैसे किया जाता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलते रहे और हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहे। तो आज तक इतना ही, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में वहां से पूछ सकते हैं। आज तक नहीं, धन्यवाद।